गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल पीपल, शिवलतिका की चैनल में आप सबका दिल से बिग वाला वेलकम। और जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वो है ब्लैकी, हमारी फैमिली का मेंबर। इसे हो गए हैं 8 साल हमारे घर में। अब आप सोचोगे कि मैं सुबह सुबह रेडी होकर कहाँ के लिए तैयार हुई हूँ। अब मैं निकल पड़ी हूँ घर से, तो आज हम जा रहे हैं मनाली। जी हाँ, मनाली। तो आज मैं आपको ले जाऊंगी अपने साथ मंडी से मनाली। अब जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये जो स्ट्रीट सड़क जाएगी ना, हम तो टर्न ले लेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रीट ये वाली वो जाएगी मंडी के हॉस्पिटल, जो मंडी में हॉस्पिटल है वहाँ के लिए, और हम टर्न हो जाएंगे यहाँ से मनाली की तरफ जाने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी मंडी का बस स्टैंड, जो यहाँ से सब जगह के लिए बसेस मिलती हैं। तो ये है काफ़ी बड़ा बस स्टैंड मंडी में, और यहाँ से जाती है मेरे मायके के लिए भी बस, जो सुबह, हाँ शायद जी, सुबह 5 बजे निकलती है रिवालसर टू मंडी। और ये है भीमा काली माँ का मंदिर, जो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। ड्यूरिंग लॉकडाउन ये बंद है, क्योंकि सारे मंदिर ये मंडी में बंद ही है। और ये गुरुद्वारा मंडी का, और ये है मंडी का कॉलेज, जो सामने आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है वो मंडी का कॉलेज है। अब हम ओल्ड मंडी होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमने न्यू मंडी आपको आगे दिखाऊंगी। न्यू मंडी, ये जो मंदिर मैं आपको सामने दिखाऊंगी वो पंचवक्त्र का मंदिर है, और कुछ साल पहले यहाँ पर बाढ़ आई थी मंडी में, और ये मंदिर पूरा व्यास नदी में समा गया था। आप तो जानते हो ना, मंडी को शिवनगरी और छोटी काशी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है मेरे महादेव के बहुत सारे मंदिर। अब मैं आपको दिखाऊंगी ओल्ड मंडी से न्यू मंडी का नज़ारा। तो ये है न्यू मंडी, है ना सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं दिखाऊंगी आपको विक्टोरिया पुल, जो सन 1877 में ब्रिटिश टाइम में बना हुआ है, और ये पुल बहुत पुराना है। बस अब हम यहाँ से चल पड़े हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो रोड आप स्ट्रीट देख रहे हो डाउन में जा रही है नीचे, वो जाती है धर्मशाला के लिए, और हमने जाना है यहाँ से ऊपर। ये जाती है आपका कुल्लू बजौरा के लिए जाती है, और यहाँ से जाया जाता है मनाली के लिए। तो आप अब मेरे साथ चलिए मनाली की तरफ। और ये जो वर्कर्स है जो काम करते हैं ना, तो इनको मैं सल्यूट करती हूँ और इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। फुल मंडी दिखाती हूँ, अभी गाड़ी रुकवाई मैंने स्पेशली फॉर यू ऑल। तो ये है मेरा ब्यूटीफुल मंडी, जो व्यास नदी के पास में बसा हुआ है। आप देखो, है ना, पहाड़ों के बीच घिरा हुआ मंडी बहुत सुंदर। तो मैं आपको ज़्यादातर पहाड़ी दिखाऊंगी, क्योंकि इतना सुंदर व्यू है चारों तरफ गाइस, बहुत सुंदर वाला व्यू। तो मेरा तो मन कर रहा है कि आज बस बातें कम और आपको सीनरी ज़्यादा दिखाऊंगी। अब ये और दिखाती हूँ मैं आपको सीनरी, अगर आपको दिख रही होगी। और आपको पता है मैं कितने देश में वीडियो बनाती हूँ, जब मैं ट्रैवल करती हूँ बिल्कुल अपना हाथ बाहर निकाल दिया होता है मैंने, और फ़ोन गिरने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरा फ़ोन गिरेगा नहीं तो फिर अभी मैं आपको और सीनरीज दिखाती हूँ। अभी तक खाने के लिए मैंने कुछ नहीं लिया, और ट्रैवलिंग करते हुए मैं कुछ खाऊँ ना और ये हो नहीं सकता कभी। मुझे तो खाने का इतना रहता ना, मज़ा ही नहीं आता, ऐसा लगता है नहीं कि यार कुछ ट्रैवल कर रही हूँ या फिर कुछ भी, ऐसा बकवास सा लगता है सब कुछ। तो आगे गाड़ी रुकेगी तो वहाँ से मैं ले लूँगी खाने के लिए कुछ भी। शिवाय तो आज भी फिर से अपने पापा के पास ही है, और सो गया है मेरा बिट्टू। उफ, व्यू रियली ऑसम, ब्यूटीफुल। मैं आपको पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, मैं आज की वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है कि मेरी जन्मभूमि हिमाचल है और मैं हिमाचल की बेटी हूँ
बहुत ज़्यादा प्राउड है मुझे। फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको दिखाया वो मंडी के कमांड में IIT है और नॉर्थ का ये पहला इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, जहाँ से मतलब जहाँ पर बाहर से काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। तो काफ़ी बड़ा कैंपस है, आपने देखा होगा। तो अभी मैं आपको फिर से बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये है IIT इंस्टीट्यूट के फैकल्टी के लिए रहने के लिए, यहाँ पर रेजिडेंशियल है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स हैं। ये जो सब दिख रहा है इसमें रेजिडेंशियल भी है, हॉस्टल्स भी है। यहाँ IIT में जो भी स्टूडेंट्स और फैकल्टी है उनको रहने की सुविधाएं इस जो बड़ी सी कॉलोनी दिख रही है आपको उसमें है। दोनों मैचिंग कोई चिप्स, कोई कुरकुरा, कुछ भी जूस वगैरह नहीं आज हमारे पास। कल नितिन बोल भी रहे थे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, बोल दे क्या लाना है, पर मैंने बोला कि चलो जाते हुए ले लेंगे। आज मेरा सफ़र ऐसे ही जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। अदरवाइज़ मुझे बहुत चटपटे खाने की आदत है, बहुत ज़्यादा। बस यहाँ पर दूर दूर तक शॉप्स ही नहीं है ना, सीनरीज ही सीनरीज है, सीनरीज एकांत सा रोड, एकांत सा बस सब कुछ। चलो देखते हैं, अब जहाँ पर भी शॉप मिलेगी वहाँ से ले लेंगे। इवन आज वाटर बॉटल तो कैरी की हुई है, देखते हैं यार। अगर मैं कुछ ना खाऊँ ना तो मुझे वॉमिटिंग वाली फीलिंग हो जाती है। और हम बहुत हाइट में, मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितने हाइट में हम, कितनी प्यारी सीनरीज, ऐसा लग रहा है डाउन है और हम अप हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। फाइनली खाने के लिए आ गया। हम पहुंच गए हैं कुल्लू। हम कुल्लू पहुंच गए हैं। मैं आपको कुल्लू दिखाती हूँ अभी। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक सी नहीं थी, अभी सोई थी मैं, जब उठी अभी सोकर, और जब सोखी उठी तो दिखा कुल्लू आ गया। हम कुल्लू पहुंच गए हैं, आपको अभी मैं कुल्लू दिखाती हूँ। मनाली भी रह गया है 37 किलोमीटर दूर। अब मैं आपको मनाली के नज़ारे, मनाली के व्यू, मनाली की सीनरीज दिखाती जाऊंगी जो कुल्लू से मनाली तक की है। बने रहिएगा वीडियो में। शिवाय अपने पापा के साथ बैठा हुआ है तब से, आज ही मेरे पास आया ही है पीछे। आज इसकी तबीयत खराब हुई, आज इसकी मम्मा की तबीयत खराब हो गई। हम पहुंचने वाले हैं मनाली बहुत जल्दी। सॉरी, और मनाली की सीनरीज देखो आप। आज वेदर भी था बहुत ही ज़्यादा अच्छा और काफ़ी धूप भी थी। बादल जैसे हैं, बस मुझे ही छू रहे हो।
बोल रहे हो कि आ गई काफी टाइम बाद। अच्छा, ये जो कैंपिंग आप सामने देख रहे हो ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ रिवर के साथ कैंपिंग, बताती हूँ मैं अभी आपको, रुकिए। ये तो लोग यहाँ पर स्पेशली कैंपिंग बुक करवाते हैं, ये कैंप्स बुक करवाते हैं और यहाँ पर अच्छे से इंजॉय करते हैं, नदी के पास मज़े से रहते हैं। और मुझे भी बहुत शौक है यार कैंपिंग में रहने का, कैंप में रहने का। तो मैं कभी नितिन के साथ प्लान बनाऊंगी कि मैं इस तरह से स्टे करूँ और उसका भी स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी। और ये है मनाली की सुंदर सा व्यू। एक ही जो रोड अब चलेगी ना, वो मनाली के बस स्टैंड की तरफ निकलती है, और ये जो सामने आपको मैं दिखाऊंगी वो वॉल्वो बस स्टैंड है, ये वाला, ठीक है। यहाँ भी जो भी टूरिस्ट की बसेस आती है वो यहाँ पर स्टे करते हैं, मतलब यहाँ पर रुकवाते हैं। मनाली पहुँच गए हैं हम, अब डायरेक्टली रूम की तरफ जा रहे हैं। अभी मनाली से लेफ्ट बैंक को हम टर्न ले रहे हैं इस ब्रिज से, ये ब्रिज जो जाएगा वो लेफ्ट बैंक की तरफ जाएगा, और लेफ्ट बैंक से हम अलियू के लिए टर्न ले लेंगे। अब हम अलियू की तरफ चल पड़े हैं क्योंकि मेरा रूम मनाली मॉल रोड से थ्री किलोमीटर्स दूर है। तो हम निकल रहे हैं रूम की तरफ। इस एरिया को अलियू कहते हैं जो मनाली में है। बस हम पहुंच गए हैं अब जहां मैं रहती हूँ वहां पर, बस गाड़ी हम अंदर होटल में पार्क कर देंगे। फाइनली पहुंच गए हैं, वो भी टाइम से। फाइनली हम पहुंच गए हैं, टाइम से पहुंच गए हैं। काफी टाइम बाद आ रही हूँ मनाली। अच्छा लग रहा है, काफी धूप भी आज, वगैरह सामान निकाल रहे हैं। शिवाई भी फ्रेश है आज, शिवाई की मम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, शिवाई की तबीयत नहीं ख़राब हो। व्हाट बेबी, सो आपको रूम में जाके मिलती हूँ। अभी सामान वगैरह निकालते हैं, रूम तक पहुँचते हैं, देखते हैं यहाँ पर कोई बहादुर वगैरह होगा। सामान काफ़ी है तो सामान के लिए बहादुर करना पड़ेगा उठाने के लिए। कुछ कुछ तो हम उठा लेंगे, बाकी हार्ड सा सामान उनको उठाना पड़ेगा। सो टाइम से पहुँचे यार। अभी मैं आपको यहाँ का भी आस पास का भी दिखाऊँगी। सो अभी के लिए मिलती हूँ बाद में, अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ रूम में। ओके बाय। और शिवाय देखो डायरेक्ट आपको साइकिल में बैठ गया। सो बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ घर, और घर आते ही एक सरप्राइज यहाँ पर। इसका क्या नाम है? मैक्स। ये है हमारी बिल्डिंग का मैक्स। शिवाय कौन है बेटू? मैक्स, अभी आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में फ्रेश होकर। आते ही और क्या काम था शिवाय का, बस आंटी को कहता कि मुझे डॉगू दो डॉगू दो। आंटी ने भी बड़े ध्यान से इस साइकिल के इस बॉक्स में उसको बिठा दिया, और बस दोनों को लग गए खिलाने। आंटी का प्यारा शिवाय। हेलो माय लवली पीपल, हम पहुंच गए थे टाइम से, बस मैं फ्रेश हो गई हूँ, नितिन हो रहे हैं, और फिर शिवाय गया है बाहर आंटी के पास खेलने। तो फिर मैंने आपको मैक्स से मिलाया ना, वो बिल्डिंग में मतलब लैंडलॉर्ड का डॉग है, वो छोटू सा क्यूटू सा, बहुत क्यूट है ना, मुझे तो बहुत क्यूट लगा। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आपको, मंडी टू मनाली का? अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग। और नए हो मेरे चैनल में अगर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस लाइक कीजिए। मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, और देखते रहिए मेरी वीडियोस और बने रहिए मेरे चैनल के साथ जिसका नाम है शिवलतिका। आज के लिए बस इतना ही, आप सबको करती हूँ बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। मिलती हूँ जल्दी आप सबको, टेक केयर।